रात को दीपांकर गायब हो गया, अब हमें पता नहीं कि वो कहाँ गया। वेगन्स में पेट्रोल भी है क्योंकि आगे हम लोग को पेट्रोल की जरूरत होगा। क्या बेला इज द ओनली डॉग इन द एंटायर विलेज। लॉन्ग लिव आइडिम राइट। आइडिम राइट। हेल आइडिम राइट। Pangong Lake, located at 4,225 meters above the sea level, is an endorheic lake. Endorheic मतलब lake का पानी बाहर drain बनके नदी या तो समुंदर पे नहीं जाता, अपने जगह पे ही रहता है। बाकी का information और कुछ facts video में आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। Meanwhile हमने अपना दिन कैसे शुरू किया वो देखते हैं। यू नो आफ्टर अ हैक्टिक डे राइड नेक्स्ट डे सुबह उठ के सनराइज का टाइम लैप्स वीडियो बनाना इज क्वाइट अ बिग टास्क, बट ट्रस्ट मी इट इज वर्थ द व्यू एंड ऑल्सो इन अ प्लेस लाइक पैंगोंग लेक। वाह, अकेला अकेला स्वीटू, अकेला अकेला बिस्तर में सो गई। जो लोग ऊपर सोने वाले थे सब नीचे सो गए, और जो नीचे सोने वाली थी वो ऊपर सो गई। उठ गई ये देखिए, अंजा अंजा हो गया, उठ गया। आलसी आलसीपन छाई हुई है, आलसीपन। अरे अरे अच्छा 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 अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों नहीं तोड़ के ले कुमार बिस्ना तो अभी आखने बेसी कुमार और ओ गुड मॉर्निंग गाइज। बाहर का नज़ारा तो आप लोगों ने देख लिया, तो टाइम लैप्स में डाला था, फिर भी हम लोग का व्यू कुछ इस तरह का है। बिल्कुल पैंगोंग लेक आप लोगों को दिख रहा है, देखिए यहाँ से दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है। दो सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद बाहर जाते हैं, लेक दिखाएंगे, सबसे मिलाएंगे। दो मिनट दीजिए, अभी देखिए होट वोट भी फटा हुआ है। दो सेकंड। दीपांकर मैं और शांतनु कल रात को रुके, बेला भी थी, पर रात को दीपांकर गायब हो गया, अब हमें पता नहीं कि वो कहाँ गया। एक बार जाके देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे लग रहा है वो किचन पे सो गया होगा। गायब होने का मतलब क्या है? आए यहाँ पे भी नहीं है। हम इस होम स्टे पे रुके हुए हैं, मोटरसाइकिल में मैंने सामान कल रहने ही दिया यार, यहाँ पे थोड़ा सा सेफ़ है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भीड़ भड़ाका कम है, जहाँ पे हम लोगों ने रुका है एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर है। देखिए जो जेरिकेन्स है उसमें पेट्रोल भी डला हुआ है, ये देखिए जेरिकेन्स में पेट्रोल भी है क्योंकि आगे हम लोग को पेट्रोल की ज़रूरत होगा। ओके नाउ टेक अ लुक एट दिस ब्यूटिफुल पैंगोंग लेक, बहुत ही सुंदर है, क्या बताऊँ आपको। बाप रे, देखिए 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 देखिए। मैं 2015 में भी आया था यहाँ पे, और हाँ हम लोग एक दिन रुके थे। इनफैक्ट मैंने बिल्कुल लेक के सामने कैंपिंग किया था, उस टाइम ये फैसिलिटी यहाँ पे अलाउ करते थे, मगर अभी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि कुछ यूनियन का वो है जो अलाउ नहीं करते यार वो, और वो हमें प्रोटोकॉल उन लोग का जो पॉलिसीज़ हैं, उन लोग का जो रूल्स है उसको ब्रेक करना नहीं चाहिए। एनीवे हम लोगों का दीपांकर का ढूंढ रहा था, दीपांकर छुप के आके यहाँ पे सो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहला वाला दीपांकर है, दूसरा वाला प्रकाश है, तीसरा वाला सौरभ है, ये पंपू है। एनीवे गाइस, आज पैंगोंग लेक के सामने जाएंगे, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे, इस गेस्ट हाउस का भी इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पे हम लोग रुके हुए। और बेला कहाँ गई, वो देखिए कहाँ गई, वो वहाँ पे सुनू, कितना दूर नहीं, नो कम बैक कम बैक, आजा वहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है। इसको जब भी बोलता हूँ नहीं जाना है तब उल्टा चली जाती है।
अभी मुंह हाथ धो लो, जल्दी निकालो पहले, बाद में पानी आ जाता है ना। कहाँ पे? हर जगह में आपसे कम से कम। हम लोग तो रुकेंगे आज। क्या आज रुकना है? नहीं जाने आज, नहीं जाने, कल जाएंगे। अच्छा कल, आज यहीं रुकेगा? हाँ, इसलिए तो आराम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक। पूरी पूरी एक जने का कितना कितना? दो मैं तीन लेता हूँ। ये सब्जी, मेरे को भूख लगता है सुबह, इसीलिए मैं खा लेता, मैं रुक नहीं पाता। जिंदगी के मजे करता ही चला गया। गिर गया, गिर गया। रोजी भैया आप भी जूस पीजिए। एक एक करके सब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गया, और उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक की तरफ निकल गए। दोस्तों लेक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अभी हम लोग नीचे पानी छूने के लिए जा रहे हैं। इस बार मैं बाइक चला के नहीं आ रहा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. 2015 mein when I came to Pangong Lake with 16 of my friends, couple of us camped by the side of the lake. And baki ke dost peeche campsite mein the. Lake ke side mein camp karna was a different feeling altogether. ट्रस्ट मी, रात को ये जगह बहुत ठंडा हो जाता है, और उस टाइम पे कैंप करना अलाउ भी करता था, जो आज के दिन पे नहीं है। रात को टेंट में सोने का मज़ा ये है कि आप अपना टेंट का जिप खोल के थोड़ा टाइम स्काई गेजिंग कर सकते हो। और आज तक मैंने अपने लाइफ में इतना टूटता तारा, मतलब शूटिंग स्टार नहीं देखा जितना यहाँ देखा था। ट्रस्ट मी गाइस, वो 2015 वाला नाइट मुझे अभी भी याद आता है। इंटरेस्टिंगली, आप लोगों को अगर पता नहीं है, पैंगोंग लेक इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। इसका 40% इंडिया में है एंड 50% टिबेट ऑक्यूपाइड चाइना में है, एंड रिमेनिंग 10% डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहाँ हम सब लोगों ने बहुत मजे किए। आई नो, आई एम सो सॉरी। तो हाँ यार, हम लोग पहुँच गए हैं पैंगोंग, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल पैंगोंग। एज यू कैन सी, आई हैड कम हियर इन 2015 पे भी आया था, बहुत ही सुंदर। मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, आप लोगों को दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है प्रकाश? बहुत अच्छा, कुछ अलग ही है ना? टू गुड, स्टनिंग फीलिंग है ना। सौरभ कैसा लग रहा है? जन्नत में आ गया भैया, तेरे को जन्नत दिखाने की जरूरत नहीं है, रूम बंद करके। अभी तक ट्रिनेन ने कम से कम 50-60 वीडियोस कर लिया है, और ये रील कभी नहीं दिखेगी। फ़ोटोज़ जो है, हाँ फ़ोटोज़ तो दिखेगी इसकी, काफ़ी फ्रीक्वेंटली देता है। वहाँ पर शूटिंग हो रहा है उसका। शूटिंग क्या है अभी? फिर से अबे सब परेशान है उसको लेके। देखिए पैंगोंग लेक में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया बेला ने। I always wanted a huge ground and a water body for Bella so that वो खूब खेल सके and more importantly swimming कर सके। Bella का और मेरा आज सपना पूरा हो गया। Pangmik village में एक भी doggy नहीं है। Bella is the only dog in the entire village। Swimming भी कर रही हो यार। यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, मतलब हाँ वही 3 डेज़ वाला पॉइंट, फिर लेक में जाके थोड़ा देर टाइम स्पेंड करना, फ़ोटो वोटो खींचना, इतना ज़्यादा तो काम नहीं, एक दिन काफ़ी है। और ज़्यादा चल भी नहीं सकते बिकॉज हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है। और हाँ, एक बात तो पता चला कि इस पूरे पैंगोंग विलेज में कोई भी डॉग नहीं है। नो डॉग्स, ओनली बेला, खाली बेला ही है। पी ले, पानी पी ले, प्यास लग गई। पैंगोंग लेक विजिट करने के बाद हमारे तीन दोस्तों को वापस लेह जाना पड़ा, शांतनु, प्रयास एंड दीपांकर। जो थैंक यू फॉर एवरीबॉडी फॉर आई डिम राइट। हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, टाइम भी शॉर्ट है बहुत। No issues. Look, palm. Long live. I did right. I did right. Hey, I did right. और ये राइड के दौरान कोई अगर राइड
छोड़ के जाता है टाइम के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, काम के लिए, ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है और हमारे साथ भी वही हो रहा था। अरे बेलाए भाई को भाई से थैंक यू सो मच। बेलाए भाई को बुलाए इसे बेलाविन राइट टू मुलिंगला अजन मने राइट सेफ रिकॉर्ड इज बी विथ अस हमें आई लॉक पा मको बेलाए आई लव यू बाय बाय। I am sure you all can see how a voiceless creature can create such a deep impact of love, affection and care on people's heart. I Dream Right के club members हमको छोड़ के जाने से ज़्यादा Bella को छोड़ के जा रहा था, उस बात पे ज़्यादा दुखी था. But this is what a journey is all about. We ride together, we create memories in a journey and we leave. And this is why I think people say that a journey is more beautiful than a destination.